अनीशा का हाथ थाम करके एल्विश ने पूछा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, जिसमें माँ की कसम भी उन्होंने खिलवाई है। अब ये सवाल सोचिए क्या हो सकता है। मनीषा लेटी होती है सोफा पे, और पहले तो एल्विश जो है ना इस तरीके का हाथ नहीं होता है कि हाथ डाल करके वो बेबी का के साथ इधर उधर कर रहे होते। मनीषा लेटी होती है तो यहाँ पर एल्विश आते हैं, पूछते देखो भी ऐसे ही मतलब आना है, ऐसे ही मेरे हाथों में हाथ डाल करके चलना है क्या? तो यहाँ पर मनीषा कहती है नॉट इंटरेस्टेड। उसके बाद वो इस तरीके से खड़े रहते हैं और मनीषा दौड़ करके आती है, तो कहते चलो बाहर चलते हैं, टहलते हैं, आज जाकर के तुझे टहला करके लाते हैं। और वो बाहर लेकर के जाते हैं, कहते तुझसे एक सवाल करूंगा, तू सच्चाई से उस सवाल का जवाब देना। हाँ, पहले तो वो ये कहते हैं कि तेरा पति है और तूने बताया नहीं है, तेरे तीन पति अलग अलग स्टेट में, सॉलिड गैस कुछ ना कुछ वो बोलते हैं। उसके बाद वो कसम खिलवाते हैं कि तू खा कसम अपनी माँ की, क्या बोलते हैं इस बात में, तू जो सवाल पूछूंगा ना तुझे सच बताना पड़ेगा। अब मैं कहीं पता नहीं है कितना सा मतलब कितना कौन सा ऐसा सवाल ये पूछने वाला है बंदा, जिसमें माँ की भी उसने कसम खिलवा दी। अब यहाँ पर बातें म्यूट हो जाती हैं जो भी उन्होंने सवाल किया। उसके बाद जब म्यूट होकर के हटता है तो मनीषा गुस्सा होती है कि बस मुझे लगा आप कोई रोमांटिक बात करेंगे, आप पाद की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर एल्विश ने उससे पूछा है कि मतलब 3 महीने में तुमने एक बार भी फाट किया है बिग बॉस के घर में? तो कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ, और बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, अगर मैं करूँगी तो मैं बताऊँगी, एक बार किया है। तो पूछता है किसके सामने? अभिषेक के सामने किया है, और मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ, अगर मैं करती हूँ तो मैं बता भी देती हूँ, और मैंने अभिषेक के सामने किया। तो वो पूछने जा रहे होते हैं अभिषेक से कि मैं जाके पूछूंगा और सबके सामने पूछूंगा। मनीषा कहती है ऐसे मत करो मेरी बेइज्जती, और मैं नहीं तो रोने लगूँ। फिर एल्विश वापस आते हैं, फिर एल्विश कहते हैं अब हम लोग सीरियस बात करेंगे। तो मतलब मैं इतना वो हो गई कि ऐसी कौन सी बात करनी है एल्विश को जो कि मनीषा को बाहर लेकर के आए, सिर्फ ये पूछना था तुमने 3 महीने में एक बार भी फाट किया है किसी के सामने या फिर नहीं। दोनों काफी मजेदार है, क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।